आम खबर चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर समाप्त में कुछ देर कबल जो मौजूद जज और वकील में तल्ख कलामी हुई थी, अब वकील अमानुल्लाह कंदरानी ने रोस्ट्रम पर हाथ जोड़कर माफी मांग ली है। राजा मोहसिन एजाज आगा कीजिए। देखिए, आज की समाप्त के मौके पर जज साहिबान और वकील अमानुल्लाह कंदरानी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था और जब बेंच के सरबराह जस्टिस याहिया खान अफरीदी की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि केस चलाने से पहले आपको माफी मांगनी होगी, सीनियर वकील का इस अंदाज से बात करना ये किसी सूरत इस आपको अजेब नहीं देता, अगर अदालत को एहतराम नहीं दिया जाएगा तो फिर ये केस नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि क्या आप गैर मशरूत माफी मांग रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल माफी मांग रहा हूं और आपने जो इल्जाम लगाए हैं उनके शवाहिद दें, ये भी कहा गया बेंच की तरफ से। और इस दौरान समाअत माफी की तस्लीम करने के मामले पर बेंच मेंबरान में इख्तलाफ भी नजर आया। जस्टिस याहिया खान अफरीदी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने माफी तस्लीम करने की ऑब्जर्वेशन दी और इस पर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने जस्टिस हसन अजहर रिजवी से इस्तफसार किया कि क्या आप माफी को तस्लीम कर रहे हैं, पहले अमानुल्लाह कंदरानी तहरीरी माफी मांगे। इस पर जो वकील अमानुल्लाह कंदरानी है उन्होंने रोस्ट्रम पर दोनों हाथ जोड़े और ये कहा कि मैं दोनों हाथ जोड़कर अदालत से माफी का तलबगार हूं और अब ये इसके ऊपर ये कहा गया है बेंच की तरफ से कि मुनासिब हुक्म अदालत जारी करेगी और अब इस केस की आइंदा समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी की गई है।